हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज से फिर मैं एक नई शुरू कर रहा हूँ बिहार के बीपीएससी और बिहार स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें करंट अफेयर्स पे एक बेस्ट सेक्शन होता है लेटेस्ट हुज एंड हु, बिहार में अद्यतन कौन क्या है। तो बिहार में अद्यतन कौन क्या है, तो इससे देखिएगा हर तरह के एग्जाम में प्रश्न जो है पूछता है। तो अब इससे ज्यादातर जो है बीपीएससी और बिहार स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम में सबसे प्रश्न रहते हैं। तो ये जो लेटेस्ट हुज एंड हु होता है, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पे बेस्ड होता है, इसलिए ये करंट अफेयर्स का एक पार्ट है। तो अब इसमें सबसे जो हम पहले चर्चा करेंगे, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं राज्य में, तो उसमें सबसे देखिएगा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है गवर्नर का। तो एट प्रेजेंट जो है गवर्नर है ऑनरेबल मिस्टर फागू चौहान, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं वो सेम स्टेट में अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, बल्कि डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर होने चाहिए। तो ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। अब गवर्नर के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 153। तो 153 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब राज्यों में जो है गवर्नर होंगे। और आर्टिकल 154 बोलता है कि हेड ऑफ द मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर में होगा, मतलब राज्य का जो कार्यपालिका है उसका हेड जो है गवर्नर होंगे, लेकिन नॉमिनल होंगे, नाम मात्र के होंगे। और रियल जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इसी के वजह से देखिएगा एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछ दिया था कि गवर्नर जो है वो कठपुतली है, तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तो उसके कहने का मतलब ये था कि वो नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। फिर उसी तरह से अब इनको सैलरी कितनी दी जाती है, तो इनको सैलरी दी जाती है 3.5 लाख पर मंथ। तो देखिएगा कि जो भारत सरकार के अधीन जो भी पोस्ट होता है उसमें देखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जैसे सबसे अधिक सैलरी प्रेसिडेंट का है, फिर वाइस प्रेसिडेंट का है, फिर स्पीकर लोकसभा का है, और फिर तीसरे नंबर पे सैलरी आता है गवर्नर का। फिर अब जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं, मतलब कि पदेन जो है कुलाधिपति होते हैं, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके वो कुलाधिपति होते हैं। वाइस चांसलर फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग लोग होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर अब देखिएगा कि मेंस जो एग्जामिनेशन होता है उसमें गवर्नर के पोजीशन को लेकर के, मतलब राज्य जो प्रशासन है उसमें गवर्नर की क्या स्थिति है, फिर उसका रोल को लेकर के कि गवर्नर का क्या रोल होता है, फिर उसके पास जो डिस्क्रिशनरी जो पावर है, स्वविवेक का अधिकार जो गवर्नर के पास है, खास करके जब कोई दल को बहुमत नहीं मिलता है राज्य में और फिर किसी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है, तो उसमें जो है स्वविवेक का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं गवर्नर। तो ये बहुत विवादित होता है, देखे होंगे अभी ताजा जो उदाहरण है आपका कर्नाटक है, फिर इसी तरह से महाराष्ट्र का उदाहरण है। तो गवर्नर का रूल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मेंस एग्जाम में इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्टरनेट अगर मान लीजिए इस साल पूछ दिया गया तो अगले साल नहीं पूछा जाएगा, फिर उसके अगले साल जरूर पूछा जाएगा, इतना इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है मेंस, बीपीएससी मेंस के लिए। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार। तो चीफ मिनिस्टर का जो आर्टिकल है 164 है, तो 164 जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है पूछता है। फिर उसके बाद बिहार का जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा जिसको बोलते हैं, तो वो जो है बाइकैमरल है, मतलब कि जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, और उसके मेंबर को बोलते हैं एमएलसी। तो जो इसके चेयरमैन होते हैं, सभापति जो होते हैं, वो है मिस्टर हारून रशीद खान, जो जेडीयू के हैं और वो एक्टिंग है। फिर उसी तरह से देखिएगा कि जैसे लीडर ऑफ हाउस क्वेश्चन पूछता है, तो लीडर ऑफ हाउस है मिस्टर नीतीश कुमार, क्योंकि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं।
तो इसलिए ये प्रश्न पूछता है। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है ये भी प्रश्न पूछता है, तो पूर्व जो मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं, वो राबड़ी देवी जो है अभी प्रतिपक्ष की नेता हैं अपर हाउस में, जबकि लोअर हाउस में देखिएगा तेजस्वी यादव हैं। लोअर हाउस जो होता है वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विधानसभा में जो पोस्ट होता है हेड उसको बोलते हैं स्पीकर, अध्यक्ष का पोस्ट होता है, तो अध्यक्ष है विधानसभा के श्री विजय कुमार चौधरी जो जेडीयू से बिलोंग करते हैं, और फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है तेजस्वी प्रसाद यादव। फिर उसी तरह से अब हाईकोर्ट है, तो पटना हाईकोर्ट जो है इंडिया के पुराने हाईकोर्टों में से एक है, तो देखिएगा कि इसका जो आर्टिकल है वो मे बी जो है 214 जो है आर्टिकल है उसके तहत जो है अपॉइंट हाईकोर्ट होता है, तो हाईकोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1916 में, पुराने हाईकोर्टों में से एक है, और चीफ जस्टिस एट प्रेजेंट है ऑनरेबल जस्टिस है संजय करोल एट प्रेजेंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। फिर सैलरी जो है इनको कितनी दी जाती है, तो 2.5 लाख सैलरी जो है पर मंथ दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। फिर एडवोकेट जनरल सुने होंगे, महाअधिवक्ता जो राज्य में राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, तो इनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 165 के तहत, तो मिस्टर ललित किशोर जो है एट प्रेजेंट जो है वो एडवोकेट जनरल है, महाअधिवक्ता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये क्वेश्चन जो अक्सर पूछता है। फिर जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करने वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका आर्टिकल है 315 के तहत बताया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो इसके चेयरमैन है मिस्टर शिशिर सिन्हा एट प्रेजेंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो नॉन गजेटेड जो पोस्ट होता है उसको अपॉइंट करने का हायर अथॉरिटी है, तो इसके चेयरमैन है मिस्टर रविंद्र कुमार, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये जो है कैबिनेट के डिसीजन से बनाया गया था। फिर उसी तरह से देखे होंगे बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जो है बिहार में जो भी इलेक्शन होते हैं, खास करके जो पंचायत का इलेक्शन है, नगर पालिका का है, नगर निगम का है, तो वो सब इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला अथॉरिटी है, और फिर जो लोकसभा और विधानसभा या राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है उसके अंतर्गत ही काम करता है, तो इसमें जो मुख्य जो होते हैं उनको बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, जबकि जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है उसके हेड होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो कमिश्नर होते हैं, ये ऑफिसर होते हैं, तो मिस्टर एचआर श्रीनिवास जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अभी। फिर उसी तरह से देखिएगा राज्य में जो है ब्यूरोक्रेसी में जो हायर पोस्ट होता है वो चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, मुख्य सचिव का पोस्ट होता है, तो मुख्य सचिव एट प्रेजेंट है मिस्टर दीपक कुमार। फिर डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस जो प्रशासन होता है उसके जो हेड होते हैं राज्य के उसको उनको बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, तो अभी एट प्रेजेंट है मिस्टर गुप्तेश्वर पांडे, तो ये आईपीएस ऑफिसर होते हैं और ये सेक्रेटरी जो है आईएएस ऑफिसर होते हैं। फिर लोकायुक्त का पोस्ट होता है, तो लोकायुक्त जो है वो भ्रष्टाचार का जांच करने वाला हायर अथॉरिटी होता है राज्य में, जैसे केंद्र में लोकपाल होता है उसी तरह से राज्य में लोकायुक्त होता है, तो ऑनरेबल जस्टिस है मिस्टर सीएम प्रसाद जो है ये लोकायुक्त हैं बिहार के। फिर बिहार ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन है मिस्टर उज्जवल कुमार दुबे, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर उसी तरह से बिहार स्टेट वुमेन कमीशन, बिहार राज्य महिला आयोग है, तो उसकी चेयरमैन है मिसेज दिलमणि मिश्रा। फिर उसी तरह से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो उसके चेयरमैन है मिस्टर आनंद किशोर, तो ये सब जो है लेटेस्ट हुज एंड हु का सीरीज के में मैं नेशनल का भी बनाया हूँ, लेटेस्ट हुज एंड हु नेशनल, लेटेस्ट हुज एंड हु इंटरनेशनल, लेटेस्ट हुज एंड हु झारखंड, फिर बिहार का भी मैंने बना दिया, तो इस तरह से हर एग्जाम में देखिएगा बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी तरह से बीपीएससी और जेएसएससी के जो एग्जाम होते हैं उस पर मैं वीडियो बनाते रहूंगा, और फिर मैं इसी तरह का हर जेपीएससी बीपीएससी बैंकिंग एसएससी रेलवे सब तरह के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।